जब भी मन में कोई भी विकृति आए तो उसी समय अस्मरेत हरि नामस्य नश्यन्ति सर्व दोषानां। हरि नाम का स्मरण करने से सभी दोषों का नाश होता है। तो ये सब दोष हैं। जो जैसी आपकी स्थिति रहेगी वैसी ही अवस्था प्राप्त होता है। कहते हैं ना, मरने के समय में अगर परमात्मा में मन लगा हो तो यह जीव परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये सिर्फ मरने के समय ही घटित नहीं होता है, जीवन में भी घटित होता है। जैसी हमारी अवस्था, जैसी जो हमारी अवस्था है वो सुसुप्त या स्थिरता में हमें प्राप्त होती है। जो हम दिन भर के सोचते हैं, जैसे ही ध्यान में माला लेकर बैठेंगे तो जैसे ही शांत होंगे वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। समझ रहे हैं ना? तो सोना है, सोते हैं तो वही चीज़ें स्वप्न में दिखाई देती हैं या उससे मिलती जुलती चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मनुष्य की जैसी अवस्था होती है ना, तो साधन भजन में बैठे या सो जाए वही चीज़ें उसको दिखाई देने लगती हैं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए चेष्टा करना चाहिए कि हमारी जो अवस्था है वो ठीक होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मन में बुरा विचार आया तो तुरंत उसको परिवर्तन करना चाहिए। कैसे? जैसे जो भोजन करते समय जूठा गिर जाए कपड़े पे तो क्या करते हैं, तुरंत जाके धो देते हैं, दाग न लग जाए। ऐसे ही इस समय मन में बुरा विचार आवे उसी समय में राम राम राम। समझ रहे हैं ना? तो राम राम करने से वो चीज़ें उससे थोड़ी देर के लिए हट जाता है, हो सकता है लंबे समय के लिए भी हट जाए। ये निर्भर करता है आपकी अवस्था के ऊपर। तो इस प्रकार से मनुष्य को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब जब आपने बुरे विचार आए, निगेटिव थिंकिंग आई और राम 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 कर दिए, अब आप ध्यान में बैठ रहे हैं या जाप कर रहे हैं, निगेटिव थिंकिंग आई तो वहाँ भी अभ्यास रहेगा और राम 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 निकलेगा। अगर सो गए हैं स्वप्न में, अगर नेगेटिव थिंक आ गई तो सोए सोए में देखे होंगे बहुत से लोग करवट भी बदलते हैं तो राम राम बोलते हैं, तो वहाँ भी राम राम निकल जाएगा, वो भी परिवर्तन हो जाएगा। और यही अभ्यास आपके अंतिम समय में काम आता है। अंतिम समय में जब सब चीज़ें घेर लेंगी उस समय, क्योंकि आपका अभ्यास है, जब घिरते हैं तो क्या करते हैं, राम राम। जब घिरेंगे तो वहाँ भी राम राम राम। बस बन गई आपकी काम। समझ रहे हैं ना? तो ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, ये हम लोग इसकी जड़ को नहीं जानते, कहाँ से शुरुआत है। ये हमारे दिन भर जो हम करते हैं, सुबह बैठते हैं तो भी ये अवस्था होती है, क्योंकि सुबह उठते ही हमारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार उन्हीं चीज़ों में लग जाती है जो कल छोड़ के आए थे। समझ रहे हैं ना? तो जब बैठेंगे जाप करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। इसीलिए सुबह उठते ही शांत होकर के जहाँ सोए थे वहीं बैठ जाइए। बैठ करके श्वास पे राम नाम का, गुरु मंत्र का या बोल करके जप कर लीजिए, तो प्रवृत्तियाँ आएंगी नहीं पीछे वाली, तो आएंगी नहीं, उनका तो रोक लग गया। और नाम जप करते हुए स्नान करिए, शौच आदि करके निवृत्त होइए और जाप में बैठ जाइए, आएंगे ही नहीं वो, क्योंकि आप निमंत्रण तो उनको पहले ही दे दिए, तो फिर वो आएंगे ही आएंगे, स्वभाव है उनका और स्वभाव आपका भी है, दोनों का मेल खाता है।
मेल खाता है तो आएगा ही आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चा इंद्रियां, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित, अहंकार, ये सब तुम्हारे बस में है ही नहीं। तुम मान लो कि तुम्हारे बस में नहीं है। आदमी घोड़े पे बैठा हो, घोड़ा दौड़ रहा हो और उसकी बस छूट जाए, उसकी पकड़ से घोड़ा बाहर, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो क्या करेगा आदमी? घोड़ा दौड़ रहा है, क्या करेगा वो? तो वहां पे एक ही सिद्धांत काम करता है, अनुकूल जगह देख करके उस पे छलांग लगा देना चाहिए। इसी तरह से हमारी मन, बुद्धि, चित, अहंकार और सारी इंद्रियां जो है ना, काम करती हैं। उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये देखना और जानना बहुत जरूरी। अगर वो आपके ऊपर हावी हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं करते या ध्यान नहीं देते, पूरे दिन तो ध्यान नहीं देते, अगर कोई अच्छी नेगेटिव एनर्जी आई, बड़ा ही उसमें आनंद आ रहा है और भी आनंद लेने लगते हैं। अब जब आप पूजा में बैठेंगे तो थोड़ा चित्त शांत हुआ, पूजा में एक दो माला किए, शांति मिली, आंख बंद किए तो आ जाएंगी, वो स्वभाव है उनका। जब आ जाएंगे तब वहाँ पे फिर आपको मुश्किल होता है, फिर सोचते हैं मन को कैसे बस में करें, माला रोक देते हैं, मन को बस में करने की सोचते हैं। तो अभ्यास करना चाहिए कि जब भी मन में कोई भी विकृति आए तो उसी समय अस्मरेत हरि नामस्य नश्यन्ति सर्व दोषानां। हरि नाम का स्मरण करने से सभी दोषों का नाश होता है, तो ये सब दोष हैं। तुरंत नाम का स्मरण कर लेना चाहिए, तो ये अभ्यास बन जाती है। फिर जब ये अभ्यास आपके साथ रहेगा तो आप जब अभ्यास जीवन भर इस चीज़ का अभ्यास किए, तो यही अभ्यास आप बीमार भी पड़ेंगे तो वही अभ्यास रहेगी, राम राम मुँह से आएगी। इसीलिए तो कहा, करत करत अभ्यास के मारे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये अभ्यास है, और छोटे छोटे अभ्यास, मुलायम रस्सी पत्थर को घिस देता है, अर्थात छोटे अभ्यास ही निरंतर और सदैव करने से बड़े बड़े आपत्तियों को नष्ट कर देता है, बड़े बड़े पाप के पहाड़ों को जला के राख कर देता है। अग्नि छोटी सी ही होती है, जंगल को जला देती है। तो छोटी अभ्यास बहुत काम की होती है, समझ रहे हैं ना? छोटी इतनी सी अमृत अमर कर देगी, इतनी सी विष मार देगी, समझ रहे हैं ना? इतनी सी ही है, छोटी अभ्यास है, छोटी अभ्यास ही आपका इतना बड़ा काम कर देगा कि आपको आश्चर्य होगा। उसके लिए बहुत बड़ी साधना तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चा सहज रहो, सहज करो,